कैथल की हनुमान वाटिका में आज हेल्पिंग हैंड हरियाणा की टीम द्वारा भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा भर से कई मशहूर हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में महंत सुकराय नाथ योगी और शिक्षक प्रवीण उड़ान मुख्य अतिथि की भूमिका में रहे। समाज सेवी तेजी ढांडा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। गौरतलब हो कि हेल्पिंग हैंड हरियाणा की टीम कई सालों से जरूरतमंद लोगों के लिए मदद करने का काम करती रही है। कार्यक्रम के बाद सभी गणमान्य लोगों ने मीडिया के साथ बातचीत की। देखिए, यहाँ पर ये हमारे तेजी ढांडा धनोरी एक हमारा युवा लड़का है, इनकी एक पूरी टीम संगठनात्मक सृजनात्मक ढंगों के साथ पूरे क्षेत्र विशेष में और हरियाणा के अंदर इस पूरे प्रांत की समृद्धता के लिए काम कर रही है। और जब इसके लिए इन लोगों ने मुझे सूचित किया और जब मैंने इनके बारे में कुछ जानकारियाँ जुटाई तो ये बहुत अच्छा, वास्तव में मुक्त कंठ से प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। इसी प्रशंसनीय कार्यक्रमों की मैं समझता हूँ कि कड़ी में आज कैथल में हनुमान वाटिका के इस पवित्र प्रांगण में इन लोग युवाओं के माध्यम से एक नशाखोरी के विरुद्ध चेतना जगाने के उद्देश्यों से एक मोटिवेशनल कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें तेजी ढांडा जी का आज जन्मोत्सव कार्यक्रम भी है युवा साथी का। और इस जन्मोत्सव के उपरांत इन लोगों ने सकारात्मक फैसला लिया है। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम समाज को संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकालने का काम करते हैं। ये ऋषि धर्म भी है और युवाओं का भी एक धर्म है। और इन लोगों ने मिलकर के समाज में ज़रूरतमंद लोगों के घर आदि बनवाना, समाज से सहायता उपलब्ध करके और करवा करके गरीब और ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी करवाना या भूखे ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध करवाना, इस प्रकार से कई माध्यमों से इन लोगों ने एक संगठित होकर के युवा चेतना की ऊर्जा का परिभाषण तय करने का काम किया। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इनके इस कार्य से और भी युवाओं का कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप लोग भी इसी प्रकार का कार्यक्रम करें। जैसे बरटा गांव में सुनील संधू लगा हुआ है, जैसे हमारा जैसे राजली से प्रदीप शास्त्री लगे हुए हैं या हमारे प्रवीण उड़ान जी लगे हुए हैं या आरस शिकाराज लगे हुआ है, ये सब समाज की उत्कृष्ट और चेतन ऊर्जा है। इन सभी युवाओं का, तेजी ढांडा जैसे सभी साथियों का, हम सबको मिलकर के मनोबल बढ़ाना चाहिए। और इस मनोबल के दरमियान कहीं ना कहीं समाज को एक नई यज्ञ आहुति की ऊर्जा प्राप्त होती है और आज इसी यज्ञ आहुति में आहुति डालने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। देखिए, हम लोग केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग नहीं बल्कि धरातल पर हम लोगों ने काम किया, उसी के काम के बदले में हम लोगों ने तो अपना सर फुटवाया। अब भलाई के काम जो ना इतने आसान नहीं होते, लोगों को अपने सर फुटवाने पड़ते हैं जब जाकर के अच्छाई के काम होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं युवाओं से यही कहूँगा कि जितनी FIR दर्ज हों होने दो, अच्छे काम करते रहो, डरो मत, विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी उनको लांग करके पार करना है। और जो मरे हुए लोग होते हैं जिनका ज़मीर भी ज़िंदा नहीं होता, वो ठीक उसी तरह होते हैं जैसे एक लाश पानी के साथ बहती है। जो जिंदा ज़मीर लोग होते हैं वो पानी की बहती हुई लहरों के विपरीत भी तैरने का साहस रखते हैं। तो हम युवाओं को चाहिए कि विपरीत धाराओं में भी हम लोग तैर करके सामाजिक विजेता और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध इस विजेता को विजेते तराम के पथ पर सुनियोजित ढंग से स्थापित करने का काम करें। यह समाज की एक सुंदर संस्कृति है और इस संस्कृति के अंतर्गत मैं समझता हूँ कि युवा से एक यही अनुमान लगाया जा सकता है कि युवा कदाचित बैक फ्रंट पे नहीं बल्कि सामने आकर के फ्रंट पर कार्य करने वाली एक चेतना का नाम है। आज भाई तेजी के जन्मदिन के ऊपर ये कार्यक्रम था और बहुत भव्य कार्यक्रम था। जिस तरह से भाई तेजी की जो टीम है हेल्पिंग एंड हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश ने कैथल के आसपास पूरे इलाके के अंदर जो काम कर रही है, चाहे बेसहारा पशुओं की बात हो, चाहे गरीब बहनों की शादी करवाने की बात हो, तमाम जो काम है, जो सेवा के, वो सारे के सारे काम ये टीम करती है। भाई तेजी डांडा और पूरी की पूरी हेल्पिंग एंड की टीम बधाई की पात्र। तो इस तरह के आयोजन से क्या कुछ मैसेज समाज में गया? समाज के अंदर इस तरह के आयोजन से बहुत गहरा संदेश ये जाता है कि समाज सारे के सारे, इसमें जो टीम है लगभग सारे के सारे यूथ और युवा मिलकर के समाज को बदलने का काम कर सकते हैं। और मैं तो नतमस्तक होकर इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तेजी भाई का, कि इतनी कम उम्र के अंदर इन्होंने इतना अच्छा जो है काम अपने इलाके के अंदर ये कर रहे हैं। ये टीम हेल्पिंग एंड हरियाणा का प्रोग्राम था भाई, जो अपनी सामाजिक संस्था है जो हर एक गांव में, हर एक शहर में काम कर रही है। संस्था है जो गरीब और जरूरतमंद बेसहारा लोगों के लिए काम करती है। अपने यहाँ महंत सुकराय नाथ जी, महंत कोटकलां वाले आए हुए थे जी, वो अभी आपने देखा यहाँ से चले गए हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। और वो महंत जी जो हैं नशा के खिलाफ बातें करते हैं और उनसे जुड़ के हमारी भी टीमें नशा के खिलाफ बहुत सारी काम कर रही है। और बहुत सारे हमारे भाई जो नशा के विरुद्ध है और जिन पर बहुत सारे केसें भी लगे हुए हैं, लेकिन केसों से डरने वाले नहीं है, नशा मुक्त करके ही रहेंगे।
कार्यक्रम के जरिए यही मैसेज देना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सारे गाँव की टीमें बनी हैं, बहुत सारे भाई हैं जो असन से, करनाल से, अम्बाला से, पिपली वाला से आई हैं। हर एक भाई ने यही बोला है कि हम आपके साथ लग के गाँव गाँव में टीमें बना के और सामाजिक कार्य करेंगे। ये हमारा सर 5 साल से काम में चल रहा है, 5 साल से तकरीबन 70-80 लाख रुपए का काम हो चुका है भाईचारा का, और जिसमें 88-89 लड़कियों की शादी करवा चुके हैं और 47-48 घर बनवा चुके हैं, और बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनके हम डेली रूटीन में मदद करते रहते हैं। भाई उद्देश्य यही है कि बस ये सामाजिक कार्य कीजिए, किसी गरीब की लड़की घर ना रहे उसका सहयोग कीजिए, आप कोई नशे के उसमें आगे बढ़ता हो तो उसको आप रोकिए, उसको समझाइए, यही काम है। हरियाणा के अंदर आप बात करें तकरीबन 1500 प्लस मेंबर है टीम में। नहीं नहीं, इस कार्यक्रम को आप राजनीतिक रूप में नहीं देख सकते, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी राजनीतिक वाला नहीं था, और जितने भी भाईचारा हमारे हजारों की संख्या में यहाँ भाई आए हैं वो हर एक पार्टी से संबंधित हैं, किसी ने किसी पार्टी से आया, इसमें ये राजनीतिकरण कुछ नहीं है इस पर। नहीं, तेजी डांडा कुछ नहीं कर सकता, तेजी डांडा एक ही चीज़ करेगा, समाज को सुधारेगा। बस ये नशे के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अगर कोई गलत काम कर रहा है उनको समझाएंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, जो आप देख सकते हैं हमारी टीम कार्य कर रही है, निरंतर इसी काम में आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम था हेल्पिंग हैंड का, और गरीब मजदूर कमेरा वर्ग जितने भी, कोई भी लड़की की शादी करनी है, किसी का मकान गिरा हुआ है, किसी को राशन की जरूरत है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरा हरियाणा में, उनकी शाखा भी दूर दूर भी हैं, पंजाब में बढ़ते ही हैं, अच्छा काम बढ़ना चाहिए। और बहुत इनका आज MD का और तेजी डांडा का जन्मदिन है, इनको दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और जो MD जागलान है, ये अपना सामान लेकर गया था किसान आंदोलन में, इनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी, भगवान का दया से ठीक हो गया। और अपने मनजीत जी हैं भाई, और अपने मलिक साहब हैं, पूरी इनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है, इनका जहाँ भी इनको जरूरत पड़ेगी हम इनका साथ देंगे। और अगर आप पूछ रहे थे राजनीति में अच्छे आदमी क्यों नहीं आना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम करेगा उसकी सोच तो अच्छी होगी। जब चोर, लुटेरा, ठग, बलात्कारी के बच्चे, अब ऐसे ऐसे लोग राजनीति में आएंगे नहीं, वो क्या भला करेंगे। मैं तो कहता हूँ बोले युवा को सभी को राजनीति में आना चाहिए, वोट तो कोई घर रखता, राजनीति भी करो, सेवा भी करो। अगर राजनीति इतनी माड़ी है तो राजनीति वाले नहीं छोड़ देनी चाहिए, तो एक किसान मजदूर का बेटा अच्छी सेवा करेगा, समाज को आगे लेकर जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ करनी चाहिए राजनीति, आगे बढ़ी जानी चाहिए। देखिए साग सड़ी जी खीर तो नहीं गई, खीर सड़ी जी साग तो नहीं गई, कुछ तो अच्छे करेगा, 20%, 30%, 40% कुछ तो गुण पाएंगे, अच्छा तो करेगा, माड़ी तो नहीं कर सकता। जो आदमी गलत नहीं पाते जी राजनीति, जो गलत आदमी शॉर्टकट में पैसे कमाते हैं फिर वो दानी सज्जन बन जाते हैं, उनकी मेंटलिटी तो वो 2 नंबर का पैसा कमाई है जैसे उसे वही रहेगा। एक समाज सेवा कैसे बढ़ा तो कुछ तो करेगा, 30-40% कुछ तो नहीं बढ़ेगा, चलो एक बार तो नहीं कुछ हो सकता, धीरे धीरे तो नहीं बढ़ेगा।